जेके शाखूं आहिनि ऐं जेके पुछड़ी वारा आबादगार आहिनि उन्हनि में सती शाख, अठी शाख ऐं नाई शाख उहे तमामु घणो सफ़र कनि था। उन्हनि खे महिरबानी करे पाणी प्रोवाइड कयो वञे। ऐं मां इहो बि ज़रूरु चवंदसि त वॉटर सप्लाई स्कीमूं जेके आहिनि असांजो जोही तालुके में लाइट जा आज़ार आहिनि, 14-14 कलाक लाइट कोन्हे का। मां इहो ज़रूरु अर्ज़ु कंदसि त उन्हनि खे सोलर में कन्वर्ट कयो वञे जीअं माण्हुनि खे पाणी पीअण जी ॾुखियाई न थिए। ऐं मां इहो बि ज़रूरु चवंदसि त असांजी काछे में पाणी जो वॾो फुकदान आहे। उते काफ़ी अहिड़ा ॻोठ आहिनि जंहिंजा ॻोठ में पाणी जेके आहिनि उहे खारा पाणी था निकिरनि, खारो पाणी थो निकिरे। उन्हनि खे कन्वर्ट करे सोलर में मिठे पाणी में कन्वर्ट कयो वञे जीअं माण्हू पाणी पी सघनि, मिठो पाणी पी सघनि। ऐं उते तमामु घणी ज़रूरत बि आहे डीप हैंड पंप जी। मां इहो ज़रूरु चवंदसि त असांजो CM साहिबु, उन्हनि खे रिक्वेस्ट आहे ऐं असांजे लोकल गवर्नमेंट वारे मिनिस्टर खे बि चवां थी, पब्लिक हेल्थ बि उन्हनि वटि आहे, त मां इहो अर्ज़ु ज़रूरु रखंदमि त महिरबानी करे हिन दफ़े असांखे काछे खे का मेगा जेको प्रोजेक्ट ॾिनो वञे ऐं असांखे असांजे काछे खे आफ़िज़ अदा करार ॾिनो वञे। छो छाजे करे हिकिड़ो त उते फसल कोन था थियनि पाणी जे करे, ऐं उते पाणी पीअण जी तमामु घणी ॾुखियाई आहे। इन करे असांजे काछे वारनि खे महिरबानी कई वञे। ॿियो मां CM साहिब खे इहो अर्ज़ु कंदसि त असांजे दादू में 400 बेडेड हॉस्पिटल आहे, उन्हनि खे कंप्लीट करायो वञे जीअं असांजा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि हॉस्पिटल मां मुफ़्त हासिल कनि ऐं उन्हनि मां फ़ाइदो हासिलु कनि। छाजे करे त उहा जेकी नई हॉस्पिटल आहे उहा तमामु सुठी हॉस्पिटल ठहे पई। अॼु अज़रा खे वर्स थी कया त दादू जी जेकी हॉस्पिटल आहे 400 बेडेड वारी, उन्हनि खे कंप्लीट कराई ॾिनी वञे हिन बजट खां पोइ। ऐं मां इहो ज़रूरु चवंदसि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके बि हिते माण्हू ॻाल्हियूं कनि था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे लाइ या फेडरल जे लाइ को कमु न कयो आहे। मां उन्हनि खे ॿुधाइण थी चाहियां त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उहे कारनामा कया आहिनि, उहे कम कया आहिनि जो वराए वराए सिंध जी हुकूमत असांजी थिए थी ऐं वराए वराए सिंध जा माण्हू असांखे सिलेक्ट करे हिन असेंबलियुनि में पहुचाइनि था। तव्हांजी वॾी महिरबानी। जीए भुटो। अरबाब लुतफ़ुल्ला साहब मौजूद न आहिनि। सादिया जावेद साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहिबा कि आपने मुझे इस बजट पे बात करने की इजाजत दी। बजट पे बात करने से पहले मैं इस फ्लोर के जरिए सख्त अल्फाजों में मजम्मत करना चाहती हूँ जो 10 जून को पाकिस्तान में एक ड्रामा रचाया गया जिसके तहत सदर आसिफ अली जरदारी साहब और MPA फरियाल तालपुर साहिबा की जमानत मंसूख की गई और फिर उसी दिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया। ये ड्रामा इसलिए रचाया गया था कि उस दिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें ये हुकूमत बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। इनको यकीन था कि जब वो टीवी में मुख्तलिफ चैनल्स पे जेरे बहस आएगी तो इनकी दावे किए हैं उनके वो कलई खुल जाएगी। तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करके ये मामलात को डाइवर्ट किया। ये वही आसिफ अली जरदारी साहब है ना जिनको हम मर्द हुर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जिन्होंने शहबाज बेस वापस ली, जिन्होंने शहबाज बेस वापस ली, जिन्होंने शहबाज बेस वापस ली, ईरान गैस पाइपलाइन का मुहायदा किया, CPAC का मुहायदा किया। वो कोई चोर और डाकू नहीं थे, वो पाकिस्तान के सदर थे। और ये जो ये यहाँ जो बैठ के लोग
तकरीरें कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। खुसूसी तौर पे कराची के जो इत्तेहादी हैं हमारे पीटीआई के, वो इस बजट किताब को तो पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं बात करना चाहती हूँ बिलखुसूस कराची के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। अगर हेल्थ केयर पे बात की जाए तो जिना अस्पताल, NICVD, NICH सब जो था वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत वापस ले लिया गया था, लेकिन विफाकी हुकूमत, विफाकी सेलेक्टेड हुकूमत उसको बजट में डालना भूल गई, उसके लिए पैसे मुख्तस करना भूल गई। अब मैं बात करती हूँ जो लोग कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया। हेल्थ सेक्टर में अगर बात की जाए तो 80 मिलियन फातमीद फाउंडेशन को, 78 मिलियन जिना हॉस्पिटल साइबर नाइफ के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 500 अरब। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो मिसाली है सूट, जिसके लिए जिसपे कोई शक ही नहीं हो सकता, अदीब रिजवी साहब के लिए एलोकेशन है, उस ये सब कराची में ही है। सिंध के दूसरे शहरों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ। उसके बाद इंडस हॉस्पिटल के लिए और किडनी सेंटर के लिए, जहाँ लोगों का बेहतरीन इलाज मौसर मुहैया किया जा रहा है। अगर उसके बाद मैं बात करूं एजुकेशन के हवाले से, बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए हैं। 5 मिलियन एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज के लिए, 30 मिलियन एलोकेट किए गए हैं कोरंगी पब्लिक स्कूल के लिए, 7.5 मिलियन एलोकेट किए गए हैं सेंट पेट्रिक्स के लिए, 5 मिलियन सेंट लॉरेंस के लिए, और सबसे बड़ा ये मेरा दावा है कि पाकिस्तान का कोई और सूबा ये मुफ्त नहीं दे रहा। तमाम सिंध के स्कूलों में रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट और एग्जामिनेशन फीस माफ कर दी गई है। वो बोझ हम खुद उठाएंगे, वो पाकिस्तान का कोई और सूबा नहीं दे रहा। गो स्कूलों की लोग बात करते हैं, जो रिपोर्ट आई थी तो KPK में सबसे बड़ा नंबर गो स्कूलों का पकड़ा गया था। अच्छा, आगे चले। उसके बाद दाऊद कॉलेज के लिए इस बजट में पैसे एलोकेटेड हैं, सिंध मदरसतुल इस्लाम के लिए पैसे एलोकेट, ये सब कुछ कराची में है मेरा ख्याल से। 500 मिलियन जो है ग्रांट दी गई है एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन को, डॉ यूनिवर्सिटी को ग्रांट दी गई है 520 मिलियन डॉलर मिलियन की, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को ग्रांट दी गई है, और 500 मिलियन जो है वो NJH हाई स्कूल को भी दिए गए हैं। ये वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची के लिए, मैंने अभी सिंध की बात ही नहीं की। अच्छा, बिल्कुल सही है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे पर हमें ज्यादा, इनकी ये बात बिल्कुल सही है, हम मानते हैं कि कराची के ट्रांसपोर्ट पर हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, जो हमने नहीं दी है। लेकिन फिर भी जो बजट पेश किया गया है, जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट कम दे रही है, उसके बावजूद कराची ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए सिंध हुकूमत ने पैसे एलोकेट किए हैं। सिंध गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी मजीद पैसे एलोकेट करें, ये पैसे कम हैं इस शहर के लिए। अब बात करते हैं विफाकी हुकूमत की, जिन्होंने किया अपने इत्तेहादियों से कराची पैकेज 162 अरब रुपए। अच्छा जी, 19 स्कीमें, जिसके तहत 19 स्कीमें, पैसे तो पता नहीं कहाँ गए, 6 स्कीमें रह गई, लेकिन फिर भी ये उनके इत्तेहादी हैं। अच्छा, मेयर कराची की बात करूं तो वो कहते हैं कि जो मेरे हमारे पिछले मेयर थे, जो अब उनकी पार्टी में नहीं रह गए, जो उनको पैसा मिला वो सारा पैसा लंदन मुंतकिल हो गया। ये खुद उन्होंने एक टेलीविजन शो में, प्रोग्राम में बैठ के दावा किया है। जब इनकी क्यों नहीं आंखें खुली, जब इन्होंने ये सच्चाई क्यों नहीं आवाम को बताई कि जी सारा पैसा लंदन चला गया। HIV/AIDS पे सब सारे हर
टेलीविजन शो पे प्रोग्राम्स हुए, बात हुई। मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी ये बात कही, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी खड़े होकर ये बात की कि खुदारा इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाएं, हमारे साथ खड़े हो। अब इस वक्त अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पंजाब में, बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग है लेकिन उसको छुपाया जा रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत इस मामले पे संजीदा है। हमने 100 अरब रुपए HIV एड के लिए मुख्तस किए हैं। डिस्टर्ब नहीं करें, आप बैठे बैठे अपनी सीट पर डिस्टर्ब नहीं करें। आपकी स्पीच में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था आपको। अदील साहब को कहें, अदील साहब आप अपनी कुर्सी मोड़ लें, आप कुर्सी अपनी सीधी कर लें। खुदारा मैं MQM से तो खास तौर पे जो यहाँ बैठ के कराची का बहुत रोना रोते हैं, वो चश्मा, नफरत भरा चश्मा उतारें, जो इस शहर में काम हो रहा है वो लोगों को बताएं, खत्म करें वो जो वो महाजिर कार्ड खेलते हैं। इस सूबे ने बहुत बर्बादी देखी है, मजीद वो ये काम ना करें। और अब मेरा इनसे ये भी सवाल है कि एक साल से ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, क्या ले आए ये कराची के लिए, क्या दिया है वफाक ने कराची के लिए? जो देना भी है वो भी पैसे पूरे नहीं दे रहे सूबे के लिए। अच्छा, फिर मेरे जो वफाकी हुकूमत के भाई हैं वो नाराज हो जाते हैं कि हम इनके वजीर आजम को सिलेक्टेड क्यों कहते हैं, क्यों ना कहें हम इनके वजीर आजम को सिलेक्टेड। वजीर आजम की रिपोर्ट कार्ड तो चेक करें, वजीर आजम ज्योग्राफी में फेल, वजीर आजम तारीख में फेल, वजीर आजम इस्लामी तारीख में फेल, वजीर आजम इकोनॉमिक्स में फेल, वजीर आजम सिफारती प्रोटोकॉल्स में दुनिया में पाकिस्तान को एक लाफिंग स्टॉक बनाया है उस शख्स ने फेल। अच्छा जी, एक काम उनको आता था वजीर आजम बनने से पहले, चंदा लेना, जो कि वो आज भी वजीर आजम बनने के बाद बड़ी महारत से शौकत खानम के लिए जमा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए चंदा लेने में भी वो फेल। अच्छा, झूठ की तो इंतहा है इस हुकूमत की, अगर मैं गिनवाऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन अभी हालिया वाकया, दो वजीरों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुआहदा हो गया, उन्होंने हमें ये दे दिया, दूसरे दिन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से तरदीद जारी कर दी गई कि हमारा तो कोई मुआहदा नहीं हुआ है हुकूमत पाकिस्तान से या फेडरल गवर्नमेंट से। तो फिर मैं इनको सेलेक्टेड ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? अच्छा, उन्होंने साबित किया उस दिन कौमी असेंबली में बजट तकरीर के बाद कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा पे इशारे करके नाच करके दिखाया, तो वो पहले भी इशारों पे नाचते थे, उसी इशारों पे नाचे थे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। पाकिस्तान की अवाम ने तो उनको वोट नहीं दिया, अवाम की तो उन्होंने चीखें निकाल दी है, पाकिस्तानी अवाम को जो ख्वाब दिखाए थे वो तो चकनाचूर हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कितने लाख घर दूंगा, पाकिस्तान से बाहर से लोग नौकरियां लेने आएंगे, नौकरियां लेने तो आए लेकिन वो एक हफीज शेख और वर्ल्ड स्टेट बैंक का चीफ प्रेसिडेंट, इसके अलावा तो कोई ना आया। बेचारे लोगों की नौकरियां चली गई, और अच्छा फिर चले, खुद कुछ नहीं आ रहा था तो अपनी हमशीरा से कुछ सीख लेते कि वो उन खातून ने सिलाई मशीन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी बना ली, तो उनसे ही कोई माश पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो मशीन ही खरीद लेते कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाती। आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब का मैं अभी बयान पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं जब टीवी देखता हूं तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ICU में है। इनको सोचना चाहिए,
इनकी कैबिनेट को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को ये कहां ले जा रहे हैं। इनको इनको हुकूमत ना करने आती थी, ना करने आएगी और ना ये पाकिस्तान को चला सकेंगे। मेरी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि वो बेहतरीन वक्त है, वो इस वक्त सरेंडर कर सकते हैं। न्याजियों की तारीख है, वो सरेंडर कर दें। थैंक यू वेरी मच। नासिर कुरैशी साहब नहीं है मौजूद। अली खुर्शीदी साहब, बासित अहमद सिद्दीकी साहब, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं अपनी बात का आगाज इस शेर के साथ करूंगा, जुबां के ताले को अब खोलना होगा, कराची के लिए अब सबको बोलना होगा। बजट आता है गुजर जाता है, इसकी पैमाइश कौन करे, अब की बार इसको इंसाफ के तराजू में तोलना होगा, जुबां के ताले को अब खोलना होगा। कराची वो शहर जहां कमोबेश 3 करोड़ नफूस बसते हैं, कराची के ही रेवेन्यू से सिर्फ सूबे सिंध नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान चलता है। और जब कराची को देने की बारी आती है तो सब नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा ताल्लुक भी कराची से PS 121 सुरजानी टाउन से है, जहां सबसे अहम मसला पानी का है। मेरी माएँ बहनें गैलन उठाए वहां गलियों में घूम रही होती हैं, मगर पानी वहां दस्तयाब नहीं। बहुत ही उम्मीद के साथ MD वाटर बोर्ड के पास भी मैं गया कि बराए करम इस पानी के मसले को हल करें। उन्होंने कहा कि डैम में पानी तो बहुत आ चुका है, अगले 3 साल भी बारिश ना हो तो, खुदा ना खास्ता, अगले 3 साल भी बारिश ना हो तो कराची को पानी हम दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं, वो किसकी हिदायत पे फिर सुरजानी टाउन का पानी बंद कर रहे हैं। जो गरीब आवाम है वो किस तरह से टैंकर खरीद कर पानी खरीदेगी। आज भी वहां पर लोग टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। आज भी सुरजानी टाउन में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, मगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल नाकारा हो चुका है। हम उनके पास जाते हैं कि हमारे इलाके से कचरा उठाया जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है। हम क्या करें, आवाम हमारे पास आती है पानी मांगने, तो जो पानी मांगने आते हैं उनको ये किताब दे दें कि ये किताब ले लो, हमें भी ये किताब मिली है, जिसके खूबसूरत सुनहरी हरूफ के पंजे तले हमारे हुकूक को कुचल दिया गया है। और अगर सेवरेज सिस्टम की बात करें तो वो भी बिल्कुल नाकारा हो चुका है। सुरजानी टाउन का सेवरेज और पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 80 की दिहाई में डला था, उसके बाद अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। तमाम लाइनें डैमेज हो चुकी हैं, अगर पानी आ भी जाता है तो वो सड़कों पर बह रहा होता है। हमने बारहा MD वाटर बोर्ड से भी कहा कि जो नाकारा लाइनें हैं उसको तब्दील कराएं, पानी ज़ाया होता है, लोगों के घरों में नहीं पहुँचता, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। सेवरेज का पानी हर गली में उबल रहा है, चलने की जगह तक नहीं। आप आए मेरे हलके में, मोहतरम वजीरे बल्दियात से गुजारिश करूंगा कि कभी सुरजानी टाउन का विजिट करें, जहां मसाजिद के आगे पानी खड़ा होता है गद्दा, नमाजियों को नमाज पढ़ने में दुश्वारी का सामना है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी के यहाँ कोई मैयत हो जाए
तो वो जनाजा अपने दरवाजे पर भी रख नहीं सकते। और जो लोग उस जनाजे को कंधा देकर मस्जिद तक जाते हैं वो नापाक हो चुके होते हैं, वो नमाज पढ़ने के काबिल तक नहीं रहते। अफसोस का मकाम है। और मेरी बहन कह रही थी कि कराची का रोना बंद करें एमक्यूएम, आप आए मेरे साथ, मैं आपको कराची का विजिट करवाता हूँ। आप कौन सा चश्मा लगाती हैं मुझे नहीं पता, मगर मैं अपनी कुदरती आंखों से ही देख रहा हूँ। आप आए आपको भी दिखाऊंगा। और अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो आपके 8वें बजट में स्कूल गया था तो वहां फर्नीचर नहीं था, जब 9वें बजट में गया तो वहां पंखे नहीं थे, उसके बाद गया तो वॉशरूम नहीं है स्कूल में। मुझे डर है कहीं अगले बजट में स्कूल ही गायब ना हो जाए। बराए करम हमारे स्कूलों का हाल आकर देखें जहां टीचर तक दस्तयाब नहीं। क्या करें इस बजट का, किसको दिखाएं ये बजट, कौन से तरक्याती काम हो रहे हैं। आए मेरे साथ मंगो पीर चलें, जहां की टूटी सड़कें आसारे कदीमा की याद दिलाती हैं। मंगो पीर को क्या दिया सिंध हुकूमत ने, आज भी लोग वहां पे तरस रहे हैं कि शायद कोई पुरसाने हाल आए और हमारे निजाम को ठीक करे, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या तरक्याती काम हुए इस बजट की किताबों में, बड़े बड़े हेडिंग डाली हुई है आप लोगों ने, मगर जो औरंगी टाउन में 4 साल कबल ऑरेंज लाइन का मंसूबा शुरू किया था वो अब तक नामुकम्मल है। वहां पर ट्रैफिक जैम रहता है, आए दिन वहां पर एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, एम्बुलेंस वहां पर ट्रैफिक में फंसी हुई होती है, मगर वो ऑरेंज लाइन का मंसूबा मालूम नहीं कि कब मुकम्मल होगा। अगर सिंध हुकूमत कराची हैदराबाद के इश्यूज नहीं हल कर सकती तो हमारा यही मुतालबा है कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 148 के मुताबिक मेयर को तमाम इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो कराची के लिए कुछ कर सकें। हम कराची का रोना रोएंगे, हम कराची की आवाज़ है, हम कराची का दर्द को समझते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आप लोगों ने मेयर से ले ली, केडीए मेयर कराची के पास नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो भी आपके पास है, और भी दीगर इदारे सारे आपके पास हैं, तो मेयर कराची फिर क्या करेंगे, और आप भी नहीं कर रहे। खुदारा इस पे नजरे सानी करें। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसके चार सूबे हैं। मैडम खामोश करवाएं उन्हें, बात करो, आप लोग डिस्टर्ब नहीं करें। जिसके चार सूबे हैं, सूबों का मकसद इंसानी हुकूक के वसाइल कवायद व जवाबित के मुताबिक तमाम इलाकों तक पहुंचाना होते हैं। सूबे का मकसद हरगिज तकसीम नहीं होता, पाकिस्तान एक है और कयामत तक एक रहेगा। इसी तरह से अगर सिंध में भी सूबे की गुंजाइश बनती है तो सिंध में भी सूबा बनना चाहिए। सूबे का मकसद हरगिज तकसीम नहीं होता, जब आप नहीं संभाल पाएंगे तो फिर हमें ही संभालना होगा। आप डिस्टर्ब नहीं करें। और अब एहतसाब का अमल भी शुरू हो चुका है, एहतसाब का अमल भी शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने कराची को लूटा, सिंध को लूटा, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो घुटन इतनी बढ़ेगी
कि सांस लेना अजाब होगा। बहुत शुक्रिया जी। फयाज भुट साहब मौजूद नहीं है। फकीर शेर मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम स्पीकर साहब तहांजी वड़ी मेहरबानी। जै 2019-20 दी बजट ते गैलैंडिनु आऊं सीएम सिंह साईं मुरादली शाह के हुनजी सजी टीम के मुबारकबाद दींदुसि। जै हिन वक़्त मुश्किल हालात फाइनेंशियली होने के बावजूद एक आवाम दोस्त सिंध के बजट दिनो खेस खराज अकीदत पेश करें। मैडम स्पीकर साहबा मुझो तालक उन जिले से है जो सिंध जो पसमंदा जिलो सड़ो वे तो अग में थरपारकर के चूंडल नुमाइंदन मोहतरम कासिम सुमरो साहब राणा हमीर सिंह साहब सारी तफसील से गुफ्तगु कई जिले थरपारकर जहाँ मसाइल अवान के बुधाया। मैडम स्पीकर रनू साहब तो मौजूद ना सीएम साहब ना तहज तबसम हवाले से गुजारिश कदस तो जिले थरपारकर में असो सजो जिलो नॉन सर्वे आ का सर्वे थियल ना है। जेके मानू 10 सालन का जमीन आबाद कन था उन्हें को मालकान हुकूक नथो मिले तो या तो जेके मानू 10 सालन का वह जमीन कल्टीवेट कन था पर 40 सालन ताई भी कल्टीवेट कन था पर उनके मालकान हुकूक नथा मिलन तो असेंबली में या सीएम साहब पंजो को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तहत उन्हें हारन के वह मालकाना हुकूक दिना वन जी बरसात में काफ़ी अस मसाला पैदा थन था उ खत्म थी वन उनके मालकाना राइट्स मिली वन। नंबर टू अस तकरीबन 70 लख पॉपुलेशन लाइव स्टॉक जी आए मशाला जेके पोया 10 साल रहा है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत विटनरी डिस्पेंसरी दिन विटनरी डॉक्टर भी खया पर अजा ताई उते वधी कम की जरूरत आ चिलर प्लांट भी लगा वे पर जो बरसात नथियों पवन असो माल थर का माइग्रेट करे बैरेज एरिया लो अचे तो उन्हीं ला चारे ला या के समरसीबल पंप दिना वन या नंढा ट्यूबवेल सोलर से दिना वन जो मानू मालवंद मानू पैंजो माल जो चारो पोखे सगन ए माल माइग्रेट न करे ए मानू माइग्रेट न कन असो जो जरी मैश थर जो आ वो चौपायो माल आ। एग्रीकल्चर आए एग्रीकल्चर राणे साहब बुधा तो 26 यूनियन काउंसिल पर काफ़ी सारो इलाको जो को मिठो पानी आ जो को खारो पानी आने अजकल आबादी थी एंग्रो वारन कई आ जो को सीएम साहब ऐसी आयो असो एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब शायद ऐसी आयो लाइव स्टॉक जो मिनिस्टर साहब विजिट पे वो भी ऐसी आया तो उन्होंने खारे पानी से गाह पोखियान या फसल पोखियान तो एग्रीकल्चर ला
या त असां बैंक जेका आहे उन खे पाबंद कयो वञे त जिन माण्हुनि पासबुक आहे उन्हनि खे स्माल लोन, हिकिड़ो समरसीबल पंप जेको आहे त तक़रीबन 10 लख रुपए जो लॻे थो, जेको 2 या 4 एकड़ ज़मीन आबाद करे सघे थो, त उहो ॾुकारी हालतुनि खे असां मोहं ॾेई सघूं था। इन ते ध्यानु ॾिनो वञे या गवर्नमेंट एॾी वॾी रक़म न आहे उन माण्हुनि खे एग्रीकल्चर पर्पज़ लाइ इहे सोलर ट्यूब वेल्स या समरसीबल पंप ॾिना वञनि। हुन खां पोइ सी एम साहिबु, असांजो चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो साहिबु, जॾहिं पावर प्लांट जी इनॉग्रेशन करणु आया हुआ त उते यूनिवर्सिटी जो ऐलान थियो ऐं ॿिन्ही खे मुबारकबाद ॾिनसि। अॼु उन्हनि जो नोटिफिकेशन थी चुको आहे। हुन खां अलावा फीडल हुकूमत जेको सिंध सां 9 महीननि में सुलूक कंदी आई आहे या जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे छॾे करे फीडल हुकूमत ईंदी आहे त नंढनि सूबनि सां ॿिटो रवैयो अख़्तियार कंदी आहे, माटेली माउ वारो सुलूक कंदी आहे। हितां खां कल आवाज़ूं आयूं असांजे मौज़ूस अब्बासी साहिबु, जंहिंजी शायदि मदर डिप्टी स्पीकर बि रही हुई क़ौमी असेंबली में, त बिलावल साहिबु घणा दफ़ा तक में आयो, लाड़काणे में आयो। ऐं पुछणु चाहियां थो, 5 साल गुज़िरियल ऐं उन नेशनल असेंबली में मेंबर हुउसि, तव्हां रिकॉर्ड कढाइनि वञी असांजा दोस्त जेके हिते ॻाल्हाइनि था त इमरान ख़ान टोटल नेशनल असेंबली में घणा दफ़ा आयो आहे। जेकॾहिं महीने खां मथे बि हुननि जी हाज़िरी हूंदी तॾहिं मां मञींदासि हूंदो हुन हाज़िरी ॾिनी आहे 5 सालनि में। जेको माण्हू पार्लियामेंट खे पार्लियामेंट नथो सम्झे, उहो पार्लियामेंट में अचणु पसंदि नथो करे, त उहो हिन मुल्क खे कीअं हलाईंदो? हिन वक़्तु जेके 9 महीना प्राइम मिनिस्टर रहियो आहे त उन में घणा दफ़ा असेंबली में आयो आहे? अॻु में चयो वियो हो त आउं हर इजलास में अची जवाबु ॾींदुसि, उहो केॾा विया जवाबु? मोहतरम थरपारकर आया, असांजो दोस्त थरपारकर सां उन हल्के सां तालुक़ु रखंदड़ वेठो आहे। हुते ऐलान कयो वियो, माण्हुनि खे वॾियूं उमेदूं ॾसियूं वयूं, पर खोदा पहाड़ निकिला चूआ। 100 आरो प्लांट्स जो ऐलान थियो, 4 महीना गुज़री विया, 3 महीना, पर उन हिते रुपयो बि रिलीज़ न थियो। ख़ुशि फहमियूं माण्हुनि खे ॾटा ॾिना विया, पर खड़ तेल कोई कोन निकितो। हुन खां अलावा जॾहिं मोहतरम धरनो हयो पार्लियामेंट जे ॿाहिरां, त उन ई टाइम कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं हुयूं? चयो वियो त को लोटो आउं न खणंदुसि, पर हिन वक़्तु हुन जी कैबिनेट ॾिसो त अधु खां मथे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा लोटा रोलू कटा सभु उन कैबिनेट में शामिलु आहिनि। एहसाब जो अमल आहे, एहसाब नैब भई एहसाब करियो था त बराबरि करियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं बि हुन चयो आहे त एहसाब न थियणु खपे, एहसाब थियणु खपे, पर एहसाब बराबरि थियणु खपे। हिकिड़े सां हिकिड़ो रवैयो, ॿिए सां ॿियो रवैयो, इहो नामुनासिबु आहे, इहो एहसाब न आहे, इंतकाम आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
جمہوریت تے یقین رکھے تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کو رتا وہ جمہوریت لائے پر ہنن جے ہکڑے لیڈر ان آنگن میں پن ہنی رت کڈی کتے صحیح کئی ہوجے چھو ہوجے تو ہی منجو رت کہیں جمہوری عمل لا کہ بے کملا آیا ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی شہیدن کی پارٹی آ ہمیشہ ان یقین رکھو ہے جمہوریت جمہوریت لائن جدوجہد کی ان شاء اللہ یہ جے کہ نیب جا کوڑا کیس اگ میں بھوگے چکا ہوں ان شاء اللہ وری بھی یہ عدالتن میں اصا سرخرو تھی باہر نکلنداسوں انہوں جو چھا تیندو جے کہ کڑی باجی کے بچان میں تو کڑی بے کے بچان میں انشاءاللہ انصاف تھیندو ہن ملک سا جے ہلائے سکے تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہلائے سکے تھی اچھا ہن کا پو محترمہ میٹ اسانجی ادی منسٹر ہیلتھ ویٹھی آؤں سمجھا تو تھر پارکر میں جو کو ہیلتھ تے کم تھو وہ تمام بہتر تھو اسی دعوی سا یہ چی سکوں تھا اسانجی منسٹر صاحب مختلف ہندن تے وزٹ کیا تھر پارکر آئی آ مختلف گوٹھن تائیں بھی وئی تو اتے جی ہیلتھ کے حوالے سے ہاسپٹل کے حوالے سے تمام بہتر نظام آ اگے کا کافی اسانیو ہاسپٹلس اپ گریڈ تھوئن مختلف گوٹھن میں میڈیکل ڈسپنسریز ٹھیو ہیں ہکڑی آؤں گزارش کن سدی کے تو اتے جے ڈاکٹرن کے پرائیویٹ پریکٹس کرنے کا روک ہوا کمیشن جکا ادی وارن ٹھائی یا کی ٹھائی پر اتے جے مانن جی یا ڈیمانڈ آ تے ڈیوٹی کا پو انہن ڈاکٹرن کے پریکٹس کرنے جی اجازت دینی وانجے جی کافی کچھ اڑا مانو ہیں جے کہ سرکاری ہاسپٹلز یا پردے جے کرے یا بے کے لحاظ سے نتھا ونجن وہ ہنر سخت پریشان ہے تو انہیں تے نظر ثانی کئی ونجے جی کری پاسیبل آ تو انہیں کے پریٹیکس کرنے جی اجازت دینی ونجے مہربانی تاں جی جو تاں مکے گالائن جو موقع دینو اور تاں جو نہایت تھوڑا تو مہربانی ممتاز جکرانی صاحب موجود نہیں جام گورام جوکھیو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم ڈپٹی اسپیکر تھوڑی مہربانی عوام گارن جو موقع دنوں بجٹ کے متاں پر میڈم تھوڑا مجھے نالو درست کردا مجھے نالو جام اویس جوکھیو ہے جام گورام جو انآفیشل نالو ہے ہی لکھن لسٹ میں تاں جو نالو جام گورام جوکھیو لکھیل ہے عام مکھے خبر ہے تاں جو نالو جام اویس آئے اساں تواں جی پاسے چاہی ایوں آوں بھی بالکل جی لیکن نالو تاں جو تے جو لسٹ میں آیو ہوں وہ کال کیو آ تاں کی بالکل ہاں کریکٹ کرے تھی بیٹھا میڈم سوری وہ ہماری غلطی تھی آئی اپولوجائز تھینک یو سر میڈم ہاں سب کا پیری تا آؤں مبارک بات پیش کن دوست اساں سی ایم صاحب کے جے ایڈو سٹھو عوام دوست بجٹ رکھیو ہے اوں اساں جو خاص طور چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مبارکباد پیش کندوس جے کو ہن وقت سندھ سبنی کا پیری پانجو بجٹ پیش کرے رہے ہوئے اوں میڈم کچھ اواں کے بدائیں دو ہلا کہ فیڈرل گورنمنٹ جے کا ہیر ہن وقت تے جے کا سرکاری ملازمن انہن جی رگو 5% ودائیوں ہے اوں جے کو پانج سندھ گورنمنٹ ہے انہ 15% انہن جی پے میں اضافہ کیو ہے ودا چینجز یہ ہیں امی سوچو کہ وفاق ہن وقت ٹماٹو بسر گھنے تائیں کرے چھڈیو ہے
लेकिन पर भी जेका वफाक जा माण्हू आहिनि हुननि जी तनख़्वाह में को इज़ाफ़ो न थियो न सिंध जे न के सूबे में अञा असांजी हर शइ में कटौती कंदा अचनि पर असीं पोइ बि सिंध वारा वॾे दिलि वारा आहियूं मुड़ुसु माण्हू ई मोहन ॾींदासीं पंहिंजी आवाम खे इनशाला अलाह बहितर कंदो अदी जीअं तव्हां ॿुधाईंदो हलां त आऊं मुंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी आहे PS 79 या शुरू थिए थी कराची जीअं ख़तमु थिए थो दाबेची सां गॾु आहे त उते असां वटि काफ़ी इशूज़ आहिनि त आउं CM साहब खे रिक्वेस्ट कंदोसि के ख़ासि तौर ते असांजो दाबेची जेको तव्हां काफ़ी दफ़ा हिते ॿुधो हूंदो माण्हुनि वटां के दाबेची पंप हाउस आहे उते असांजो पाणी जो वॾो इशू आहे पाइपलाइनुनि जो उहे काफ़ी साल पुराणियूं थी वियूं आहिनि त महिरबानी करे CM साहब सां रिक्वेस्ट कंदोसि की उहे असांखे नयूं अप्रूवल करे ॾियनि उते हिकु नई असांखे स्कीम रखी ॾियनि अदी ॿियो इन सां गॾु असांजो मिनिस्टर साहबु आहे लेबर जो उनजो आउं थोरायतो आहियां ग़ुलाम साहब बलोच साहब जो त हिकिड़ो इशू हुओ उते असां वटि दाबेची मंझि त उते हिकु हॉस्पिटल हुई उते हलियो असां गॾिजी करे उते हुननि जा काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ सॉल्व कई ऐं वाइदो बि असां कीअं की अव्हांखे डिस्पेंसरी हिते खोले ॾींदोसि लेबर लाइ उनजो बि आउं थोरो थो आहियां ऐं वधि मां जेको हिते इशू हलियो आहे एजुकेशन जे मथां त आउं ॿाहिरनि खे ॿुधाईंदो हलंदोसि के सरदार शाह असांजो मिनिस्टर आहे एजुकेशन जो सभिनी ख़बर आहे लेकिन वाहिद मिनिस्टर इहो आहे जंहिं पंहिंजी न्याणी सरकारी स्कूल में एडमिट किए अज ढी ताईं इन फेडरल वारन किए यो स्टेप कें को खो शाबाश है साईं सरदार शाह के जे यो स्टेप खो है तब्दीली इन के चुन तब्दीली डॉलर वधान के तब्दीली नथा चुन यो इन असाजे बारन के समझ अचन खपे कि तब्दीली छ है तब्दीली हिया इंदी मुल्क में और अदी हियर एकड़ो मुझो मौजूद भा इत वेठल हो उनकी तकरीर कई कि अवान की शायद नजर घट है कि अवान के नजर को अची अचो अस गदस रोड रस्ता दिखारूँ त उन खे असीं ॿुधाईंदा हलूं असांजा नज़र सही आहे अवी थोरो पंहिंजी नज़र ऐं दिमाग़ सही रखो जेको अवी सिंध खे ॿ टुकड़े करण जी कोशिशि था करियो उहो न थींदो उहो पंहिंजे ज़हन मां ॻाल्हि कढी छॾियो उहो न अॼु थींदो न सुभाणे थींदो तेला ख़ुदा रा हिन ॻाल्हि खे छॾे ॾियो ॿी कंहिं शइ जे मथां अचो बजट जे मथां अचो हुनजे मथां ॻाल्हायो त बहितर थींदो उहो अदी जीअं त असांजी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हिते वेठल आहे उन सां मां रिक्वेस्ट हिकिड़ी कंदोसि कि मुंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी जेका आहे सा तक़रीबन नेशनल हाईवे टोटल लॻे थो हुनजे कराची खां स्टार्ट थिए थी त हुते असांखे एमरजेंसी को अहिड़ो हॉस्पिटल वग़ैरह हुजे जेको असांजी सहूलियत हुजे कराची जा तमामु घणा माण्हू हितां ट्रेवल कंदा आहिनि ख़ासि तौरु सैटरडे संडे फ्राइडे छुटी जा जेका ॾींहं हूंदा आहिनि त हुते हादसात काफ़ी थियनि था हुन लाइ करे को असांखां फैसिलिटीज़ ॾिनी वञे का एमरजेंसी को हॉस्पिटल हुजे जंहिं 50 बेड्स वग़ैरह हुजे त हुननि जी महिरबानी थींदी अदी जीअं हिते हर वक़्तु थर पारकर जो ज़िक्र हलंदो रहियो आहे त काफ़ी अहिड़ा असांजा दोस्त हूंदा जेका कॾहिं थर पार विया ई कोन हूंदा पर टीवीअ में ॿुधो अख़बार में ॿुधो हिते शुरू था थियो वञनि त ख़ुदा रा उन्हनि खे चवंदासीं की महिरबानी करे हुननि जो पंहिंजा MPA तव्हां वेठल आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MPA थर पार मां उहो खटी आयो आहे अगरि कमु न हुजे न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुतां MPA अॼु न हुजे हा त ख़ुदा रा अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न करियो ऐं अॼु असांजो हिकिड़ो एरिया आहे कोइस्तान 7/4 अवी बि वाक़ुफ़ु आहियो अवी लोकल आहियो हुते जा उते साॻियो थरपारकर वारो हाल आहे ऐं रिक्वेस्ट कंदोसि की ख़ुदा रा उते लाइ असांखे कुझु RO प्लांट्स पहिरीं बि CM साहिबु ॾिना हुआ